Welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है. सो यहाँ पे हम आपके पार्टनर के फीलिंग्स देखेंगे, यहाँ पे थर्ड पार्टी के देखेंगे और दोनों के बीच में क्या चल रहा है. थर्ड पार्टी क्या फील कर रही है, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, दोनों के बीच में रिश्ता कैसे चल रहा है, कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट नहीं है, झगड़ा चल रहा है नहीं चल रहा है, साथ ही आपके लिए अगर कुछ फील कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं. साथ ही कोर टॉपिक्स देखने वाले हैं, रिश्ता कैसे चल रहा है, क्या है, कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में फिगर आउट करने वाले हैं. ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ वीडियो. पहले कोर टॉपिक्स देख लेते हैं. ओके, यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें मार्गदर्शन कीजिए. एंजल स्पिरिट गाइड्स, ओके, एक कार्ड टर्न हो गया है बीच में, वो भी ले लेते हैं. ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, यू हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स. ओके, वन मोर कार्ड, यस, एंड वी हैव टेन ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, सोर्ड्स के काफी कार्ड्स हैं, सो आई एक्सप्लेन इट टू यू गाइज, एक्सप्लेन कर देंगे. अब आपके पार्टनर जो हैं उनके फीलिंग्स देख लेते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी के देख लेंगे. यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी व्हाट द पार्टनर इज थिंकिंग. पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर की जिंदगी कैसे चल रही है. ओके, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं, अगर और चाहिए होंगे तो ले लेंगे. वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, फूल, मून, फोर ऑफ वॉन्स और फाइव ऑफ कप्स. ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या है. आई नो शफलिंग में काफ़ी टाइम जा रहा है, पर मैं मोस्टली ये प्रेफर करती हूँ कि मैं कैमरा के सामने शफल करूँ, ताकि आप लोगों को भी एक सेटिस्फैक्शन रहे रीडिंग को लेकर और आपके एनर्जीज भी मैं काउंट कर पाऊँ शफलिंग के वक्त. तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं कैमरा पे ही शफल करूँ. अगर आप शफलिंग को नहीं देखना चाहते हो तो थोड़ा फॉरवर्ड करोगे तो भी चलेगा. सेंजर स्पिरिट का एक थर्ड पार्टी के फीलिंग्स. ओके, वी हैव फोर ऑफ पेंटेकल्स, लवर, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटेकल्स. ओके, लेट्स, ओके, कार्ड नीचे गिर गया, मुझे लेके आना पड़ेगा, वन सेकेंड. ओके, काफ़ी भारी कार्ड गिरा है, ये तो डेविल का कार्ड गिरा है. ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, तो ये यहाँ पे भी मोस्टली दो कार्ड्स. ओके, एस ऑफ वॉन्स, अरे कितने एस दिखे भाई, कितने एस दिखे. ओके, दो कार्ड्स चाहिए, एक ही कार्ड चाहिए था, दो हो गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके ये जो करंट आपके जो इनके जो लवर है, यानी कि थर्ड पार्टी जो है,
थर्ड पार्टी अभी करंट लवर भी नहीं कहना चाहिए, कोई भी हो सकता है, इनकी मदर हो सकती हैं, इनके फादर हो सकते हैं, जो भी ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आया हुआ है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हम थर्ड पार्टी कहते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके लवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जब हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, कोर पॉइंट में सोर्ड कार्ड्स आए हैं काफ़ी, और आपको एक मज़ेदार चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे हमारे पास तीन एस आए हैं, ये नीचे रख लेती हूँ, ये ऊपर रख लेती हूँ, और इस तरफ हमें एक एस आया है। टोटल टैरो में चार एस होते हैं, ठीक है, कप्स वाला, वॉन्ड्स वाला, सोर्ड्स वाला, पेंटैकल्स वाला। तीन एसेस यहाँ पे हैं, जो वॉन्ड का है, एक सोर्ड का है, एक पेंटैकल का है, और जो बचा हुआ एस है वो यहाँ पे है। तो आप समझ रहे हो कि कैसे गाड़ी चल रही है अभी रिलेशनशिप की। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत मेहनत कर रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। वेयर ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को लेकर इंटरेस्ट खो रहे हैं, इंटरेस्ट इनका बनना बंद हो गया है इस रिलेशनशिप को लेकर। आई डोंट नो व्हाई इट फील्स कि ये वन साइडेड बन रहा है। अभी थर्ड पार्टी जो है ये इन्फ्लुएंस अपना डेफिनेटली रख रही हैं, पर गाड़ी जो है रिलेशनशिप की, इसमें इंटरेस्ट, इस रिलेशनशिप की, इसमें इंटरेस्ट आपके पार्टनर का बहुत कम हो गया है। थर्ड पार्टी के अंदर जो इंटरेस्ट था इनका, वो बहुत कम हो गया है। ओके, काफ़ी सोर्स आप कोर में देख सकते हो, फाइव ऑफ समवेयर, एक क्या कहते हो उसे, दोनों भी, थर्ड पार्टी भी और आपके पार्टनर भी बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने खुद के बारे में सोच रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो कम होते जा रहा है। थर्ड पार्टी इनको बांधे रख रही है, ज़बरदस्ती बांधे रख रही है। ये रीडिंग से क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भारी भारी कार्ड्स है, वेयर ऑन द अदर हैंड हियर हमें बहुत लेस वाले कार्ड्स दिखाई देते हैं, जहाँ पे शांत है दिमाग और कुछ ज़्यादा चला नहीं रहे दिमाग, मोर देन एनीथिंग ज़्यादा चला नहीं रहे दिमाग। वेयर एज थर्ड पार्टी बहुत शातिर दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, आपकी पार्टनर जो है एक फैमिली हो सकता है, मानते हैं थर्ड पार्टी को, या फिर एक काफ़ी ट्रस्ट रखते हैं, काफ़ी एक फैमिली वाला माहौल देखना चाह रहे हैं, एक राजी खुशी, सब कुछ अच्छे से, सबकी कहने पे, सबके एग्रीमेंट से, सबके हैप्पीनेस से हो जाए ये चाहते हैं। और इसलिए कई चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर जो है आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये दिखाई देता है। उनको सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, उनको ना कहीं समझ में आने लगा है कि थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी किस तरह से चाल चल रही है, या फिर थर्ड पार्टी का चाल भी मैं नहीं कहूँगी, थर्ड पार्टी के बारे में ये सोच रहे हैं ना कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कहीं दाल में कुछ काला है, ये आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। पर वो कहीं एक अच्छा माहौल है, अच्छी चीज़ें चल रही हैं, अच्छा है, तो क्यों मैं बोलकर सारी चीज़ें ख़राब कर दूँ, क्यों मैं जो अच्छा चल रहा है उसको बिगाड़ूँ, ये सोच के चुप बैठे हैं। और आपके पार्टनर भी मुझे काफ़ी टाइम से चुप ही बैठे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आई सी की एक इमेच्योर सी फीलिंग है आपके पार्टनर के अंदर, जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में, और उसकी वजह से कई सारी चीज़ें सह रहे हैं, कई सारी चीज़ें ओके ओके ठीक है जाने दो, अनदेखा कर रहे हैं। ओके, इनको ये समझना इस वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी भी ट्यूबलाइट जलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है, थर्ड पार्टी यूज़ कर रही है, थर्ड पार्टी फ़ायदा अपना निकलवा रही है, ठीक है। प्यार 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 कह के पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है, और ये है कि जाने दो, देखेंगे बाद में, देखेंगे, छोड़ो छोड़ो, इसमें क्या लड़ना झगड़ना, ये वाली चीज़ें इनकी हो रही है। बट ये अच्छी चीज़ इसलिए है गाइस, क्योंकि पहले तक तो ये नोटिस भी नहीं कर रहे थे, अभी ये नोटिस करके अनदेखा कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना, हर एक का जो है प्रेशर कुकर, कभी ना कभी प्रेशर इतना बन ही जाता है कि सीटी बजती है कि नहीं। तो समवेयर अभी ये प्रेशर में है, उस प्रेशर में इनका कुकर जो है गैस पे चढ़ गया है अभी। ओके, पहले तो वो गैस पे भी नहीं चढ़ा था, अभी वो गैस पे चढ़ गया है, तो प्रेशर बन रहा है अभी अंदर। एक दिन फूटेंगे तो आपको पता है आपके पार्टनर कैसे, एक दिन फूटेंगे तो फिर ब्लास्ट ही कर देंगे पूरा, है ना। बट वो अभी
वो प्रेशर बन रहा है इनकी लाइफ में, पर ये अभी समझ रहे हैं कि जाने दो छोड़ो, कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में अनदेखा करेंगे ही, एक बार रियलाइज़ होगा कि ये अनदेखा नहीं किया जा सकता तो आएंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो इमोशनली ना बहुत इस वक्त में डिफ़िकल्टी में है, ये दिखाई देता है। इनके इमोशंस अभी थर्ड पार्टी हो सकता है, इनके लवर हैं, इनके रिश्तेदार हैं, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी या फिर दोस्त हैं, बट ये अपनी ज़िंदगी में ना प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी जैसे आप देख सकते हो मैन्युपुलेशन में है, फ़ायदा उठाने में है, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी से मिलती हैं, पर प्यार नहीं मिलता, वो केयर नहीं मिलता कि कोई पूछता है खाना खाए नहीं खाए, कोई पूछता है क्या कर रहे हो, उनको इनको उनको ना बहुत सारी बातें बतानी होती है, ये दिखाई देता है। समय उनको बहुत सारी चीज़ें बता, आपके पार्टनर ना थोड़े इमेच्योर से हैं तो उनको सारी चीज़ें बतानी होती हैं कि ये हो गया ऐसा है वैसा है और अभी ये हो गया वो हो गया, तो ये थर्ड पार्टी उतना सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखती है क्योंकि उनका काम अपना ही चल रहा है बैकग्राउंड में, राइट। बट आपके पार्टनर को वो बताना रहता है, कोई मुझे पूछे कि खाना खाया कि नहीं, कोई मुझे पूछे कि दवाई ली कि नहीं, कोई मुझे पूछे ये वो फलाना ढमकाना, उनको चाहिए होता है, वो केयर चाहिए होता है, उनको वो अटेंशन चाहिए होती है जो थर्ड पार्टी से उतनी नहीं मिल रही। अटेंशन थर्ड पार्टी दे रही है बट जैसा अटेंशन आपके पार्टनर को चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। कम्प्लीटली हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होने के कारण ना इमोशनली उनको एक ऐसा लग रहा है कि होल है हार्ट में मेरे, इमोशनली वो फुलफिल ही नहीं होता हार्ट। और आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, तो वो जो कनेक्शन वो प्यार देगा, वो कनेक्शन जो सेटिस्फैक्शन देगा, वो ये कार्मिक रिलेशनशिप तो देने ही नहीं वाला है, है कि नहीं। तो वो उसका अभी वो फील करना शुरू कर चुके हैं कि कुछ कमी है लाइफ में, वो प्यार नहीं मिल रहा है जैसे मिलता था, या फिर जो डिज़र्व करता हूँ वैसा प्यार वैसा अटेंशन नहीं मिल रहा है, ये अभी उनको समझ में समवेयर आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम वो ये सोच रहे हैं कि कुछ ज़िंदगी में खो दिया है, कुछ चला गया है, कुछ खो दिया है, कुछ कम है, कुछ कमी है, ये अभी आपके पार्टनर समवेयर सोच रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में एक फाइनेंस, ये वो सब, ये सारी चीज़ें ठीक है, बैलेंस है, नहीं है, जो भी चल रहा है लाइफ में, बट प्यार के हिसाब से थर्ड पार्टी उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। ठीक है, और उसका रियलाइजेशन अभी आपके पार्टनर को हो रहा है कि ये नहीं मुझे प्यार नहीं दे पा रहे जितना, जो एक लवर का जो एक प्यार कनेक्शन का जो जगह होता है वो लाइफ में खाली है, इनको समवेयर लग रहा है ये चीज़। आपके पार्टनर अभी कहीं ना कहीं एक आपके बारे में सोच भी रहे हैं, एक आप अगर सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आपके बारे में वो सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, भले ही उनका रिलेशनशिप इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी हो, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको लेकर रात को रोते हैं। ओके, आई सी ये करंट फीलिंग्स का रीडिंग नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं पे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी होते हैं ना, तभी भी उनको आपकी याद आती है, उनको आपका समवेयर ये फील होता है कि इमोशनली वो आपके साथ इतनी लेवल पे कनेक्टेड है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड है, मैग्नेट की तरह, कि आप जो भी सोचो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो जो भी सोचें आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कई बार आपको भी ऐसा होता होगा कि बिना बात के रोना आ गया, बिना बात के आप इमोशनल हो गए हो, बिना बात के कुछ सोच में खो गए हो, तो वो आपके पार्टनर के एनर्जीज आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो समझ जाना कि आपके पार्टनर वहाँ पे वैसा सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना एनर्जीज़ को, ये फोर ऑफ वॉन्ड्स, वो इतने स्ट्रांगली प्रोजेक्ट कर रहे हैं एनर्जीज़ को कि आप तक वो पहुँचनी ही पहुँचनी है, तो आपको एहसास होता जाएगा कि वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हैं। थर्ड पार्टी को रिलेटेड दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी पैसे के जुगाड़ में कहीं ना कहीं बिजी है। हो सकता है कि उनके बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर इनसे पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर पैसे से रिलेटेड रिश्ता है इन दोनों का, तो पैसे को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है थर्ड पार्टी। पैसे को लेकर उनको टेंशन दिखाई देता है कि मेरा लॉस हो जाएगा, मुझे निकालने नहीं मिलेगा, मेरा क्या पता नहीं, वो पैसे से रिलेटेड कुछ सोच रहे। आप थर्ड पार्टी को भी और अपने पार्टनर को भी बेहतर जानते हो, तो पैसे से रिलेटेड वो क्यों परेशान है वो आपको, मैंने जैसे ही पैसा बोला आपको समझ में आ गया होगा, बट पैसे से रिलेटेड अभी चिंतित दिखाई देते हैं थर्ड पार्टी। अगर पैसे आपके पार्टनर से निकलवा रहे थे, पैसे से को लेकर फ़ायदा उठवा रहे थे, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पैसा देना बंद कर दिया है, या फिर जो भी रिलेशनशिप है, जो भी आपका रिलेशनशिप है इस पैसे से रिलेटेड थर्ड पार्टी से,
पैसे से रिलेटेड चिंतित मुझे दिखाई देते हैं। पैसा उनका अनबैलेंस हो रहा है, समवेयर इम्बैलेंस हो रहा है, पैसा पैसे में बैलेंस नहीं रह रहा है, ये समवेयर दिखाई देता है। और इस चीज़ का टेंशन दिखाई देता है थर्ड पार्टी को, और उसके उस टेंशन के बीच में ना वो थर्ड पार्टी इन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर में वो इमोशनल लग रहा है कि ना ये काम बन रहा है मेरा, ना वो काम बन रहा है, और मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये वाला सिचुएशन आपका आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ओके, इन दोनों के बीच में ना मुझे कम्युनिकेशन का गैप दिखाई देता है, समवेयर कम्युनिकेशन का गैप है। ओके, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात नहीं हो पा रही है, छोटा मोटा झगड़ा होकर बात नहीं हो रही है, या फिर बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बात करने का जो भी, अगर बात नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी बात हो रही है वो बकवासी हो रही है, दिल की बातें या फिर हार्ट टू हार्ट बातें या फिर मुद्दे की बात हो ही नहीं रही है इन दोनों के बीच में, ये संवेद दिखाई देता है। और उसकी वजह से दोनों पार्टीज़ में ना, थर्ड पार्टी में भी और आपके पार्टनर में भी काफ़ी कम्युनिकेशन से लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई देती हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ और ही समझ लिया, इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ और समझ लिया, ये वाला सीन दोनों के बीच में दिखाई देता है। आपके ये थर्ड पार्टी जो है उनकी ज़िंदगी में जो लवर है, अभी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर को आपके थर्ड पार्टी का अगर लव रिलेशनशिप हो, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में कोई और भी आया हो, एक शुरुआत हुई हो रिलेशनशिप की। अगर ये दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लव रिलेशनशिप नहीं था, तो इनके लाइफ में जो लव रिलेशन था उनके साथ जो है उनका कनेक्शन स्ट्रांग बनता दिखाई दे रहा है। ओके, इनकी जो भी इनकी वाइफ हो सकती है, उनका हस्बैंड हो सकता है, या फिर लवर हो सकता है, फिर जो भी, उनके साथ उनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, और उनके इन्फ्लुएंस में अभी थर्ड पार्टी आती दिखाई दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बहन है, तो उनके जो पति हैं उनके साथ कनेक्शन की वजह से इस रिलेशनशिप पे उनके कम दिखाई देता है इंटरेस्ट, बात बनना कम दिखाई देता है, या फिर उनकी बातों में आकर इनके साथ थोड़ा सा ये दूरी बना रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। ऑल्सो आई सी डेविल का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके जो थर्ड ये तो जो जो आपकी थर्ड पार्टी नहीं कहूँगी मैं, ये थर्ड पार्टी जो है वो समवेयर एक निगेटिव पाथ पे चलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अभी दो चीज़ें हो सकती है, या तो फर्स्ट थर्ड पार्टी जो है वे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, नज़र लगाना, निगेटिविटी, ईविल आई, ये सारी चीज़ें, जेलसी रखना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह हो सकता है। आपको जो भी रेजोनेट होता है पॉइंट आप पिकअप कर लो। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि ये कहीं ना कहीं अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, ये सारी चीज़ें, निगेटिव सारी चीज़ें होती हैं ना, टेम्पटेशंस या फिर सेक्शुअल टेम्पटेशन, ऐसी सारी चीज़ों में ये फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी, ये भी शायद हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है। किसी रॉन्ग पाथ पे थर्ड पार्टी की गाड़ी चल पड़ी है ये दिखाई देता है, और जो जब रॉन्ग ट्रैक पे गाड़ी चल पड़ती है तो आप लोगों को तो पता है सज़ा मिलनी है, कर्माज गलत हो जाने हैं, पनिशमेंट मिलनी है, तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के लाइफ में। थर्ड पार्टी भी अपने समवेयर आपके पार्टनर जो है ना उनके पास्ट के बारे में ज़्यादा खोद खोद कर सवाल पूछ रहे हैं, ये समवेयर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपके पार्टनर के पास्ट में क्या हुआ है, आपके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं, शायद तुम्हारा पहले का रिलेशनशिप कैसा था, क्या था, क्यों था, और ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, बातें बनाना है ना। बट एट द सेम टाइम आप, क्योंकि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, एक इमोशनल फीलिंग है, तो इस चीज़ की वजह से भी हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हुआ है थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में, कि ये बातें मत किया करो, ये इमोशंस मेरे जुड़े हुए हैं उस वक्त व्यक्ति से, तो तुम ये चीज़ें मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, या फिर जो भी है। बट उस चीज़ की वजह से भी कहीं मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई देता है। थर्ड पार्टी बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है, उनके पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं, उनके प्लान्स क्या है पूछ रहे हैं, कैसा था पास्ट पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम, वैसा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे हैं, और उसकी वजह से आपके पार्टनर इंटरेस्ट कम बना रहे हैं। इंटरेस्ट यू नो, क्यों सवाल पूछ रहे हो तुम, मेरे पास से तुम्हारा क्या लेना देना, ये एक जो गुस्सा आ जाता है ना, वो वाला फीलिंग आपके पार्टनर में बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड ये जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बन रहे हैं ये दिखाई देता है। आपके पार्टनर को जो ऐसे पकड़ के रखा है ना, वो अभी थोड़ा थोड़ा खुला छोड़ रहे हैं
क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है। थर्ड पार्टी का इस रीडिंग से फुल ऑन दिखाई देता है कि ध्यान कहीं और है, पैसे से पैसे के ऊपर ध्यान है हो सकता है, या फिर अपने आप के ऊपर ध्यान है हो सकता है, पर अपने आप के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप कोई रेमेडी करो, आप कोई थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी इस चैनल पर है वो वाली रेमेडी करो समवेयर और इनको निकाल फेंको। ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये अपने ही इसमें खोए हुए हैं ना, तो इनसे निकल जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, इस टाइम का फ़ायदा लो। ठीक है, तो अपने बारे में सोच रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, अपने बारे में सोचो और निकलो भाई तुम, है कि नहीं। सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। काफ़ी फ़िलहाल तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अपने आप ही अपने ही दुनिया में खोए हैं और थर्ड पार्टी अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। तो ये कनेक्शन ना है ऐसा जो था ना, ये थोड़ा लूज़ हो गया है। अभी घाव मारो और तोड़ो, आपको आपके पास बड़ा अच्छा चांस है। आई मीन टू से कि कोई रेमेडी करो जिससे थर्ड पार्टी जो नेगेटिव कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन लाइफ में है वो वॉश आउट हो जाए। ठीक है, सो अगर आपको आज का रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे वीडियो कैसा लगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो बेल आइकॉन भी बजा दीजिए दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।